नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं जागो राजभर जागो के कमेटी के सचिव महेंद्र राजभर जी। महेंद्र जी, राजपथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र भाई, कल बैठक हुई थी, क्या निकला नहीं मेरे बैठक में? जी कल जागो राजभर जागो की बैठक थी, क्या हुआ सारनाथ में? हाँ, कल जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में युवा संवाद, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, चिंतन मन शिविर किया गया, जो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें तमाम जिले के लोग आए, तमाम बुद्धिजीवी आए, तमाम युवा आए, तमाम समाज सेवी आए। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। उस बात को, सभी लोगों के बात को सुनने के बाद एक डिसीजन लिया गया कि 31 अगस्त तक अगर हमारा उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती है, तो उस एवज में एक आंदोलन के लिए समाज बाध्य होगा। मंत्री भाई, आप तो गए थे, मुख्यमंत्री से मिले थे, बात हुआ क्या? योगी जी क्या कहे? मुख्यमंत्री से हम, माननीय सांसद जी और हमारे प्रवक्ता राजू राजभर भारसिव जी, हम तीनों लोग गए मुख्यमंत्री से, अपनी बातों को बताए, अपनी व्यथा बताए, समाज की पीड़ा को बताए। सारी बातों को सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों का कोर्ट से जो डायरेक्शन आया, उसी डायरेक्शन के तहत आपका प्रक्रिया गतिमान है। जब रिपोर्ट बन जाती है, तो रिपोर्ट बनने के बाद हम आपका प्रस्ताव भारत सरकार को भेज देंगे, RGI को। नहीं, तो महेंद्र भाई, आप उनकी बात से संतुष्ट हुए? संतुष्ट तो हम तभी होंगे जब हमारा प्रस्ताव चला जाएगा। ये बातें तो कोई सरकार किसी से भी मिलेंगे, सरकार जिसकी भी रहेगी सांत्वना आश्वासन देती है। सरकार की बात उसी समय सच होती है जब उस समाज की पीड़ा को सही समझ करके हमारा जो ST आरक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जाना है, अगर वो भेज देते हैं तो समाज उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेगा, और साथ ही साथ समाज उनका आजीवन आभारी रहेगा। महेंद्र जी, आपको ये नहीं लगता जो काम समाज के नेताओं को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं? आपको बता दे, बहुत अच्छी सवाल आपने किया कि आज तक कोई भी समाज का हक अधिकार कोई नेता नहीं दिला पाया है। आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, देश आजादी से 1947 में देश हमारा आजाद हुआ है, जब अंग्रेज आए तब पर भी कोई नेता नहीं आगे आया था। उस समय भी समाज के समाज सेवी ही आगे आए थे, बाद में नेता धीरे धीरे जुड़े। उसी तरह जैसे आपने गोंडों का देखा होगा कि गोंड समाज को भी ST का आरक्षण मिला, तो उनका कोई नेता नहीं दिलाया, वो संगठन खुद 370 दिन, 80 दिन लगातार उसी हर जिले के मुख्यालय पर बैठे रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह हार्दिक पटेल जी ने अपने समाज का मुद्दा OBC में 5% के लिए उठाया, और गुजरात में हर जिले से लेके गांव गांव गली तक युवाओं को और युवाओं से अपील किए, और उन्होंने एक आंदोलन के लिए एक सभा करने के लिए सोचा कि लाख लाख 2 लाख 4 लाख लोग आएंगे, और वो जब सभा हुई तो उसमें 20 लाख लोग आए। उस समय हार्दिक पटेल छात्र थे, समाज सेवी थे, न कि कोई नेता थे। तो उन्होंने वहां इतनी भीड़ जुट गई जिसमें उसमें भगदड़ हो गया, उस भगदड़ को लेकर के उनके ऊपर FIR हुआ। ठीक उसी प्रकार आप देखे होंगे एक समाज सेवी कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसला जी थे, जिन्होंने अपने समाज की लड़ाई रेल रोको पटरी ठोको का आंदोलन किए, उसमें भी कोई नेता नहीं था, उसमें भी सब समाज सेवी ही थे, संगठन ही था। इसलिए समाज का जो मूल उद्देश्य है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो समाज की ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो समाज को घर घर लोगों को मिलने वाला मुद्दा होता है, उस मुद्दे में किसी नेता की कोई भूमिका नहीं होती है। नेता लोग रहते हैं,
कोई 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 सम्मान यात्रा तो कोई हैं तो अभी बीजेपी के ही सांसद हैं, तो फिर आप लोग को अनिल राजभर से मिलने में गुरेज क्या है, आप उनसे क्यों नहीं मिलते, उनसे कैबिनेट मंत्री हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 11 मार्च 2022 को जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को लेकर सबसे पहले हमारी टीम माननीय अनिल राजभर जी से मिला, उनके कार्यालय पर जाके बैठकर बात भी हुआ, जिसमें हमारे प्रवक्ता जी रहे, हमारे संरक्षक रहे, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी उनके साथ रहे, जबकि एक बहुत ही बुद्धिजीवी नेता जो कि सबसे पहले बनारस में राजनीतिक चेतना लाने वाले पारसनाथ राजभर जी रहे। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, ये कोर्ट का डायरेक्शन आया है, इस पे अगर आप पहल कर देते तो समाज का भला हो जाता। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मामला सरकार की है, अभी ये डायरेक्शन आया है, इस डायरेक्शन को पता नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो हमने कहा कि सर, आप सरकार में हैं, सरकार में हैं आप, जब हम आप ही से बात कर रहे हैं तो आप पहल कर दीजिए सरकार से मिल करके मुख्यमंत्री जी से। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है, उसके लिए आप लोग परेशान न हो। फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप मिल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग के से हम लोगों का एक डेलीगेट मीट करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों, आप लोगों को क्यों करवाएं, हम अपने कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे। तो हमने ये भी स्वीकार किया, आप किसी को ले जाइए, आप लेकर के इस बात को रखिए, लेकिन उसमें ये इस ST आरक्षण की उसके पास फुल जानकारी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं के पास फुल जानकारी है, और अभी तक वो मिलते रहे, जबकि उसी डायरेक्शन को लेके 14 मई 2022 को उन्होंने भी सुसरिया हाल में भर दिया सम्मेलन नाम दिया, और उसमें बैठक किया, समाज को बुलाया कि आप लोगों से राय मशवरा करना है। समाज वहां हजारों हजार की भीड़ में जुटी, जुटने के बाद इन्होंने कहा 15 दिन में प्रस्ताव भिजवा देंगे। आज 14 मई 2022 से इनका 15 दिन हुआ ही। तो आपका कहना कि मैं मतलब ये महेंद्र भाई के उनके कुर्सी के लालच है, बस भीड़ दिखा के टिकट लेना था। जी, उनका वो जबकि यहाँ पे जो 15 मार्च 2000 अरे 22 मार्च 2015 को जो इन्होंने सभा करके कहा कि चलो आजादी मिलने वाली है, घर घर गांव गांव प्रदेश के सभी जिलों में गए, कहे कि माननीय अमित शाह जी आएंगे, वहां घोषणा होगी आरक्षण की, लोगों की उम्मीद जगी, लोगों ने विश्वास किया इनके ऊपर, और लाखों हजारों भीड़ वहां डट गई, भीड़ जुट गई। भीड़ जुटने के बाद इन्होंने अपनी बात उस समय तो बहुत गंभीरता पूर्वक रखी, फिर भी समाज ने उनका बहुत विश्वास किया कि अरे आज मान लीजिए माननीय अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 2017 में बनती है तो हम बराजभर समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। उसी समय प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने कहा आप 2017 में हमारी सरकार बनाइए, हम आपको आरक्षण देंगे। उसी इन लोगों की बातों को सुनने के बाद समाज ने थोड़ा विश्वास किया, लेकिन इन्होंने बाद में मीडिया के माध्यम से बुलाए, मीडिया में बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कहे कौन कह रहा था मैं आरक्षण की बात करने के लिए भीड़ जुटाया था, मैं तो भाजपा ज्वाइन करने के लिए भीड़ जुटाया था। उसी समय से समाज का इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है, समाज इनके साथ एकदम नहीं है, ये समाज को बस गुमराह करेंगे और समाज को कुछ देने और लेने वाले नहीं। आखिरी में कुछ कहेंगे मंदर भाई, समाज के नेताओं से लेकर समाज के लोगों से क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि समाज के युवा, समाज के बुद्धिजीवी, समाज के समाज सेवी अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े, इन नेताओं के भरोसे न रहें, क्योंकि ये नेता अपने परिवार को सेटलमेंट करने के लिए आए हैं, अपने को सेटलमेंट करने के लिए आए हैं, समाज को बझंडा और डंडा और ढोने के लिए, अपने पीछे पीछे चलने के लिए ये लोग समाज का यूज करते हैं, समाज का प्रयोग करते हैं। समाज अब नहीं जागेगा तो इनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए युवाओं से अपील है कि युवा अपने संघर्ष इस ST आरक्षण के संघर्ष को, इस लड़ाई को अपना खुद का समझ के, अपने आप को समझ के,
आजादी समझ के समाज के वो कहा गया है कि 31 अगस्त 1952 को हमको आजादी मिली, 5 साल 16 दिन बाद मिली है, करके इस लड़ाई को आगे लड़े और इस लड़ाई को लेकर के अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यही युवाओं को अपने अपने बातों को यहीं से ये संदेश देना चाहता हूं कि इस पे निर्भर रहें, इस पे अटल रहें, इसको करें। ठीक है महेंद्र जी, अब राष्ट्र को समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।